जो गलत होता है वही आता नहीं है सामने, जो गलत होता है वही सामने नहीं आता है। अगर सही होते तो सीना ठोक के आते। सामने एक शब्द आके बोल दो कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, गलत नहीं हमारा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, देश में हर नौजवान, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी लेकर वो सरकार की संपत्ति को देखरेख करना चाहता है, एक फर्ज निभाना चाहता है। लेकिन गोंडेगांव खदान में ऐसा कुछ देखने को शायद नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के सवेरिया हैं रविंद्र ठाकरे जी। रविंद्र ठाकरे जी के खदान, इनकी खदान गोंडेगांव में अनेक अवैध तरीके से काम शुरू है, जिसको लेकर के युवा सेना के पदाधिकारी लोकेश बावनकर, समीर मेसराम और गणेश मस्के, इनके नेतृत्व में युवा सेना के पदाधिकारी वहाँ पहुँचे एक निवेदन लेकर के, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जितने भी अवैध काम है उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन वहाँ के सवेरिया रविंद्र ठाकरे बाहर आने से मना कर दिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शायद वो बाहर आकर इन सारे तमाम सवालों के जवाब उनके पास नहीं होंगे, इसीलिए वो सामना करने से मना कर दिए और वे अपने पर्सनल को बाहर भेजे कि जाकर देखो ये मामला क्या है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा गोंडेगांव खदान, जहाँ विस्तार से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में कोई समस्या हो तो घर का मुखिया सबसे पहले सबसे आगे आता है, लेकिन गोंडेगांव खदान में गोंडेगांव खदान के मुखिया यानी कि यहाँ के सब एरिया रविंद्र ठाकरे यहाँ लोगों के, यानी जो भी लोग यहाँ के आए हैं, उनका एक लेटर, एक पत्र भी लेने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि स्टॉक से जो माल दिया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए, और गोंडेगांव से डुमरी रेलवे साइडिंग के लिए जो फीडिंग हो रही है वो जॉब वन के अनुसार स्टॉक नंबर 400 होना चाहिए, जो कि स्टॉक नंबर 2 से किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टर को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये दिन दहाड़े या फिर कुछ समय रात में भी खुलेआम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सवेरिया यहाँ के रविंद्र ठाकरे जवाब देने को तैयार नहीं। वो अपने अधिकारी को भेजते हैं पत्र देने के लिए और खुद बाहर आने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो सवाल, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सवेरिया कहीं ना कहीं गोंडेगांव में एक गलत कारनामों को, गलत कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, इसीलिए सवेरिया रविंद्र ठाकरे बाहर आने से कतरा रहे हैं या फिर बाहर आने से वो डर रहे हैं। ये स्टॉक नंबर 2 से इनका जो डुमरी साइडिंग पर माल जा रहा है उसका अलर्ट हुआ है 4 नंबर स्टॉक पर, ये 2 नंबर से माल लेके जा रहे हैं वो अवैध है, क्योंकि 500 मीटर उसका डिस्टेंस है और ये जहाँ से माल लेके जा रहे हैं उसका मीटर डिस्टेंस है 200 मीटर, 300 मीटर का यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसे निकाले जाते हैं 500 मीटर के, बिल निकाला जो जाता है। स्टीम कोयला यहाँ से अलाव नहीं है, स्टीम कोयला जा रहा है यहाँ से, रोज का लाखों रुपये का घोटाला है, महीने में ये लोग करोड़ों रुपये का यहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं। और अगर ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते तो सवेरिया साहब हमारा निवेदन क्यों नहीं ले रहे बाहर आके? निवेदन लेने से मना कर रहे हैं क्या? हाँ, सवेरिया साहब निवेदन लेने से मना कर रहे हैं, अपने पीए को भेज रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, निवेदन लीजिए ऐसा ऐसा वैसा रीज़न दे रहे हैं हर बार की तरह। उन्होंने इसके पहले भी हमने निवेदन दिया था पिछले महीने, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं बंद करूँगा और बंद भी किया था कुछ दिन के लिए, और जब जब हम निवेदन देते हैं तब तब बोलते हैं कि वो बंद कर देता, वो बंद कर देता, 2-4 दिन बंद करते हैं, फिर उसके बाद में चालू कर देते हैं, जैसे थे वैसे करते। तो इसमें ये आशंका है कि कहीं इसमें सवेरिया साहब और ट्रांसपोर्टर की मिली जुली सरकार तो नहीं है इनकी? अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर इसके आगे का क्या प्लान है? ये बंद नहीं हुआ तो जीएम ऑफिस के सामने हम अनशन करेंगे, और ये अभी तो हम लोग सिर्फ निवेदन देने आए शांतिपूर्वक ढंग से, ये निवेदन नहीं ले रहे थे, इन्होंने गेट बंद करा, पुलिस प्रशासन को बुलाया, इसलिए हमने यहाँ पे नारेबाजी की, और ये सब करने के बाद भी वो निवेदन लेने नहीं आ रहे हैं। इससे ये समझा जाता है कि सवेरिया साहब कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी जमीनों पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम बोलेंगे नहीं क्या कुछ? मैडम बरोबर है, पर हमारी जो हम आजू बाजू के गांव वाले सब लोग है और यहाँ पे लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है, जो गलत होता है वही आता नहीं है सामने, जो गलत होता है वही सामने नहीं आता है। अगर सही होते तो सीना ठोक के आते। सामने एक शब्द आके बोल दो कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, गलत नहीं हमारा कुछ, इतना बोल दो, मीडिया है, मीडिया को जवाब दो। सवेरिया की पर्सनल सरोनी मैडम ने 2 दिन का समय लिया है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम लिखित जवाब देंगे। युवा सेना के पदाधिकारी 2 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2 दिन के बाद जो जीएम कार्यालय के पास अनशन की बात की जा रही है वो किस तरीके से और आगे क्या होता है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आखिर गोंडेगांव में अवैध काम कब तक चलते रहेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। गलत नहीं होना तुम लोग? गलत नहीं तो सामने अगर सही होना
तो हमको निवेदन भी नहीं देना है, पर आके बोलो तो तुम बाइट तो दो एक। कैसे आपकी फीडिंग हो रही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान करा जा रहा, करोड़ों का घोटाला हो रहा है यहाँ पे, 100 mm के ऊपर यहाँ से कोयला जा रहा है, स्टीम कोयला यहाँ पे, यहाँ से जा सकता है क्या, बताइए आप जा सकता है क्या मैडम, आप बताइए फ्रेंकली बताइए, जा सकता है कि नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, कैसे जा रहा है यहाँ से, स्टीम कोल कैसे जा रहा है बताइए, किसकी मिली भगत है, किसके अंडर में चल रहा है सब, सबेरिया साहब जवाबदार है ना इसके, जब यहाँ पे उनके एरिया सबेरिया में ये सब चल रहा है गोंडेगांव माइंस में, तो इसके जवाबदार सबेरिया साहब नहीं है तो और कौन है। कई सवाल पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर गोंडेगांव खदान से अवैध काम कब तक चलते रहेंगे और सबेरिया रविंद्र ठाकरे ऐसे कब तक बसते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, NBC News।